अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। किस पर केस करेगा जसी? और तू किस पर केस करेगा? अरे कोई एक इंसान हो तो हम केस करें, यहाँ तो पूरा समाज बोल रहा है यार। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है ना, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। जो हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जहां तक ये जलील होने की बात थी ना बेटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर, क्योंकि हम जानते हैं बाबूजी के आरबी ने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा बेटा गलत है ही नहीं। अगर कोई गलत है तो वो लड़की नेत्रा गलत है। पाजी तो इसी सही कह रहे हो, ये सपना उस नेत्रा का किया दर है। मक्कार है यार, मैं उसके घर गया था पैसों की बैग लेके। फेस टू फेस मैंने उससे बात की बाबूजी, उसको पैसे भी ऑफर किए, उसने एक्सेप्ट भी कर लिए, फिर मुकर गई। मुझे जेल तक पहुंचा दिया उसने। लड़की बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है वो लड़की। उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। डैड आप बहुत परेशान और बहुत टेंस दिख रहे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया बस। टेंशन में तो मैं हूं यार, लेकिन अपने लिए नहीं हूं मैं। लोगों की बातों का टेंशन नहीं है मुझे, मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूं। जब से ये केस शुरू हुआ है कुछ भी तो सही नहीं हो रहा है ना। हम लोग इस केस को जितना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतना ये केस बिगड़ जाता है, इसीलिए मैं डर रहा हूं। डर लगता है मुझे अपने बेटे के लिए। काश मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाता यार। डैड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप कर तो रहे हो, इतना कुछ तो कर रहे हो डैड। लेकिन नतीजा क्या, नतीजा निकल रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? मेरा आर्मी इतना परेशान है, दिन रात टूटता जा रहा है, कितना सह रहा है वो, तिल तिल मर रहा है मेरा बच्चा। और मैं, वो कुछ कहता नहीं है विक्रांत, लेकिन मैं देख सकता हूं ना यार, बाप हूं मैं उसका, सब महसूस कर सकता हूं मैं। तुझे तो आइडिया भी नहीं है कि एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब उसका बेटा मुसीबत में होता है, खास करके बाप जब बेबस हो, मजबूर हो, कुछ नहीं कर पा रहा हो। पुत्र बाबूजी आप तो जानते हैं ना बाबूजी, यार सोच कर देखो आप लोग, यहां मेरे बेटे को मेरी जरूरत है और मैं हूं उसके सामने, हूं उसके पास हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो फेल हो गया ना। नहीं डैड आप फेल नहीं हुए डैड। क्या हूं मैं पता ना? हाँ जिंदा होकर भी एक लाश से बदतर हूं मैं। अप्पा जी एज अ फादर आई हैव फेल्ड, एज अ फादर आई हैव फेल्ड। जसवा कर मुझे कुछ नहीं है। अर्लीन तो फिर भी रो लेती है, चिल्ला लेती है, झगड़ा कर लेती है मुझसे, अपना काम तो गलत करती है। मैं क्या करूं यार? अगर बच्चा माँ का अंश होता है तो बाप का भी तो खून होता है। तो है ना बाप जान, अब मेरा खून है यार, वो मेरी जान है। मैं भी चाहता हूँ कि उसका हाथ पकड़ कर बोलूं कि बच्चे सब ठीक हो जाएगा, बच्चे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं बोल पाता हूँ मैं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता हूँ। और मैं अपने बच्चे को टूटता हुआ देख रहा हूँ, सब बिगड़ गया है बाबूजी। बाबूजी सब बिगड़ गया है बाबूजी। मेरे पुत्र आजा बाबूजी, आजा।
थैंक यू। थैंक्स किस लिए? घर छोड़ने के लिए। चल तू जा। नहीं दी, मैं तेरे साथ रुकती हूँ ना। नहीं दिया, बस मान लूंगी सब, जिस जरूरत नहीं है। हम चले? पूर्वी तुम अपना ख्याल रखना। सोहम सुनो, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। देखो तुमने जो भी पहले किया प्लीज मत करना। दिया के साथ रिश्ता जो तुमने तोड़ा था मत तोड़ना। ये बहन बहुत अच्छी है। एक सेकंड भाभी, आपको इसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे अगर ये सोहम दिया से शादी नहीं करेगा तो क्या होगा? को दिया से शादी करने के लिए दुनिया में बहुत लड़के हैं और इससे बहुत बेहतर है। युग, तुम्हें अचानक से क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे बात करनी पड़ रही है, ऑफ कोर्स करनी पड़ रही है, क्योंकि जब से मुझे पता लगा कि तुमने दिया से रिश्ता तोड़ा है तब से मेरे दिल में तेरी नफरत बढ़ गई है। ऐसे कोई करता है क्या? अरे लड़की की वैल्यू है कि नहीं है? और दिया क्यों करना तुम्हें रिश्ता? तोड़ दो, नहीं करना तो मत करो। शाबाश, क्या बात है, तालियां बजा। वेरी गुड, तो आगे की बात करें। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा, बिना बिना कोई ड्रामा खड़ा किए, बिना अपना दिमाग चलाए, ठीक है? तो तुम भी खुश, हम भी खुश, और तुम्हारा जिंदा साहिल भी खुश। इसलिए ना, नो तेवर, नो अकड़, नो घमंड, मेरे समय में ऐसे रहने का, ऐसे नहीं, समझी? उसी में सबकी भलाई है। भलाई? वहां मेरे साहिल को मारने की धमकी और यहाँ मुझे आरवी से शादी की सूली पर चढ़ा रहे हो। और भलाई? भाई सूली पे चढ़ा रहा हो तो उतारूंगा भी मैं ही। हैं? किसी प्रॉब्लम में डाल रहा हो तो उसमें से निकालूंगा भी मैं ही। अरे बीच मजदार में नहीं छोड़ूंगा मैडम, भरोसा रखो मुझ पे। क्या करना है मुझे? थक गई, मान गई, पहले ही मान जाती तो ये सीन इतना लंबा नहीं होता। बता दो क्या करना है। कल, कल तुम एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ना है। बॉम्ब? हाँ, कल हम आरवी और पूर्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फेंकने वाले हैं। रोका वोका था कि एक छोटी सी सुरसुरी थी, असली धमाका तो होगा कल भाई साहब, कल। क्या क्या करने वाले हो तुम? क्या होने वाला है कल? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।